Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हीरा खान आप लोग की स्वागत है। गाड़ी वैगनार और वैगनार के अंदर लगा CNG किट, कौन सी किट लगा है, कौन सी पॉपुलरिटी के साथ में काम हो रहा है, हर चीज़ आपको बताएंगे। पूरे वीडियो के माध्यम से आप लोगों को एक्सप्लेन करेंगे हर चीज़, एक एक वायरिंग के साथ में और एक एक किट के एक एक पार्ट्स, कौन कौन से पार्ट्स किधर इंस्टॉलेशन है और हर चीज़ बताया जाएगा कहाँ कहाँ कौन कौन पार्ट्स किधर किधर फिट हुए हैं। तो इसलिए आपको चले गाड़ी की वीडियो पर। पहले शुरू करते हैं फिलिंग वाल। ये फिलिंग वाल का फिलिंग वाल है, इसमें बारकोड लगा होता है, बिल्कुल बारकोड में बारकोड लगा के देते हैं। एक गोली निकाल के गैस करोगे तो सेफ्टी स्विच बंद हो जाएगी। ऑफ और क्लोज का ऑप्शन है यहाँ पे। ये आउट पाइप है, ये इन पाइप है। आप देख सकते हैं हर एक प्रॉपर्टी के साथ में काम हो, पूरी फ्रिजिंग के साथ में कोई लूज काम नहीं हुआ है। और ये आते हैं डबल स्टेयर का रिड्यूसर है, कोई सिंगल स्टेयर का रिड्यूसर नहीं है, डबल स्टेयर का रिड्यूसर। प्रेशर गैस आप देख सकते हैं, मानदन साहब को वीडियो मानने बताते हैं, कॉपर की कॉइल्स हैं, डबल स्टेयर की कॉइल्स हैं और डबल स्टेयर का रिड्यूसर है। बहुत अच्छी पॉपुलरिटी के साथ में काम हुआ है। और ये मीटर, मीटर इंडिकेटर शो करेगा आपके गैस के अंदर कितने इंडिकेटर गैस अपने बच रही है, इंडिकेटर रेड रेड तक का सब चीज़ बताया जाएगा। और ये जो है मैप सेंसर, मैप सेंसर का बेसिकली काम क्या होता है मैं आपको दिखा दूँ लाइट ऑन करके। मैप सेंसर का बेसिक काम हाई प्रेशर गैस को क्लियरिंग होते हुए इंजेक्टर बे तक पहुँचेगा, किस हिसाब से वैल्यूशन में काम होता है। अब अंदर आते जो आप देख रहे हैं ब्लैक कलर का, आपको दिखा दूँ मैं, ब्लैक कलर का आप देख रहे हैं, ये इंजेक्टर है। इंजेक्टर का काम क्या होता है, हाई प्रेशर गैस को लो प्रेशर में कन्वर्ट करेगा और कन्वर्ट करने के बाद आपका गाड़ी को मैनसेज करेगा इसे। तो हर चीज़ मैं आपको बताता हूँ, पॉइंट टू पॉइंट बताना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है और आगे भी आपको जागरूक होना चाहिए। ये बी आर, ये है मीजोपिनियम H82 का एशियम, बहुत अच्छी क्वालिटी का इश्यू है। हर एक कोड है, इसके बार कोड है, इसके बार कोड जितने होंगे ये पता चलेगा आपकी गाड़ी में जनरल किट लगी है नहीं लगी है। और ये CKP जो 3 सिलेंडर गाड़ी में फिर आपको लगा के देता हूँ, तो ऐसी वैसी बात नहीं है, हर चीज़ के साथ में काम होता है। कोई नहीं आपको बताएंगे जी ये काम नहीं, ये काम है, ये काम। पूरी वायरिंग को देख सकते हैं, तो पूरी वायरिंग को कवर्ड करके लगा रखा है, नॉन कवर्ड में कोई काम नहीं होता। आप ये देखेंगे टेम्परेचर की तार देखेंगे, हर चीज़ एक एक चीज़ मूवमेंट कर दिखाऊंगा मैं आपको। तो ये चीज़ में क्या होता है आपका, जैसे मैं आपको दिखा दूँ, फिलिंग बाल है, फिलिंग बाल में नंबर है, रेड्यूसर है तो रेड्यूसर के अंदर नंबर है, आप देख सकते हैं ये नंबर के साथ में होता है। टेल इंजेक्टर उसमें नंबर है और ECU बॉक्स है उस पर नंबर, आप देख रहे हैं नंबर आ रहा है, नंबर है। तो आपको बताना चाहेंगे हर चीज़ के साथ में काम हो चुका है प्रॉपर तरीके वैगनार के अंदर। और अब मैं आपको दिखा रहा हूँ डिग्गी स्पेस बोर्ड कैसे क्या है डिग्गी का, पहले मैं आपको स्विच का दिखा दूँ। स्विच का है, अपना बिलिंग कर रही है तो सुन लो आपकी गाड़ी पेट्रोल चल रही है, अब बिलिंग करना बंद कर देगी तो सुन लो आपकी गाड़ी गैस पे चल रही है। और मैं आपको वीडियो में पूरा बताऊँ प्रॉपर तरीके से, वीडियो में बताऊँ प्रॉपर तरीके से। ये इसके अंदर गैस पे चल चुकी गाड़ी और प्रॉपर तरीके से गाड़ी सेट है, ओके रिपोर्ट के साथ काम हो चुका है, कोई ऐसा वाली बात नहीं है। जो गाड़ी में दिक्कत हो हर चीज़ मैं आपको बताता हूँ मोमेंट के साथ में, एक एक मोमेंट आप लोग को बताऊँगा तभी पता चलेगा। डिग्गी खोलना